कक्षा सात हिंदी व्याकरण संज्ञा विकार कारक दोहराने के लिए संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं कारक आठ प्रकार के होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले यानी कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कारक कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक यानी अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं